जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोगों को कश्मीर में मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर नमाज अदा करने से रोकना बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं के खिलाफ भारत सरकार अपमान दर्शाता है। महबूबा पिछले कुछ हफ्तों से कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर श्रीनगर शहर में कुछ मस्जिदों और मंदिरों को लगातार बंद करने के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिसमें नौहट्टा स्थित जामिया मस्जिद भी शामिल है। केंद्र ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश का समग्र और सतत विकास तभी संभव है जब ग्रामीण क्षेत्रों को जमीनी स्तर पर विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार अधिक वित्तीय हस्तांतरण और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से गांव को सशक्त बनाने के लिए बहुत इच्छुक है। मंत्री ने जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन उम्मीद द्वारा बारामूला जिले के सिंहपुरा पटन में आयोजित एक समारोह में ये टिप्पणी की। मंत्री ने केंद्र सरकार के विशेष जनसंपर्क कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र का दौरा किया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जनता की प्रतिक्रिया का प्रत्यक्ष मूल्यांकन करना था। जम्मू कश्मीर की बादीपुरा पुलिस ने शनिवार को लवेपुरा स्थित एक बाग से करीब 15 लाख के स्पोस्मोप्रोक्सीन की 12,000 कैप्सूल युक्त 500 स्ट्रिप्स बरामद किए। बता दें कि लवेपुरा के बागों में नशीले पदार्थों को छुपाने की विशेष सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद बाग में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घनी झाड़ियों के नीचे बोरे में छिपा कर रखी गई ये नशीली दवाएं बरामद की गई। जानकारी के अनुसार ये खेप बांदीपुरा कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में युवाओं को सप्लाई की जानी थी। आरोपी की पहचान की जा रही है। मामला बांदीपुरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और आगे जांच की जा रही है। इस मामले में कई नशीली दवाओं के तस्करों की गिरफ्तारी की उम्मीद है। जम्मू में गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर नरेंद्र सिंह चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन JMC ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत वार्ड नंबर 17 सैनिक कॉलोनी में एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। ये कार्यक्रम शहरों को कचरा मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के साथ भी जुड़ा है। वहीं इस मौके पर नरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत को कचरा मुक्त बनाने और भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में 4 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि लोग अब जागरूक हो गए हैं, कूड़ा कचरा व खुले में शौच से परहेज कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि पर्यावरण को इसके लिए कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालें। लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्र ध्वज फहराया गया। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट के 150 सैनिकों ने खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े तिरंगे को लेह लद्दाख में जमीन के स्तर से 2000 फीट ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाया गया। सैनिकों को पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में 2 घंटे लग गए। सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवणे ने कहा कि पिछले 6 महीनों में स्थिति काफी सामान्य रही है। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 13वें दौर की वार्ता होगी और हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचेंगे कि डिस एंगेजमेंट कैसे होगा। श्रीनगर के करण नगर इलाके में शनिवार अज्ञात बंदूकधारियों ने एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। श्रीनगर के चट्टाबल के गलवा के निवासी अब्दुल रहमान गुरु को करीब से गोली मारी गई। उन्हें तुरंत SMS अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। सुप्रिंटेंडेंट SMHS अस्पताल डॉक्टर कमलजीत सिंह ने जानकारी दी कि उन्हें 3 गोलियां मारी गईं और एक चेहरे पर लगी थी। वहीं अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिला पुंछ में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गांधी जयंती पर स्वच्छ अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी व अन्य शामिल रहे। सभी अधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और पूरे ग्राउंड की सफाई की। जिला पुंछ में भी महात्मा गांधी की 192वीं जयंती के अवसर पर DDC अध्यक्ष ताजीम अख्तर और DDC पुंछ इंद्रजीत ने एक स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से सभी युवाओं ने डिग्री कॉलेज पुंछ से एक रैली निकाली। स्वच्छ अभियान के चलते
पार्क और हाईवे रोड को साफ किया। इस प्रोग्राम में सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आरएसपुरा की पुलिस ने शनिवार को एक बड़े चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 6 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों मूल्य की चोरी का सामान भी बरामद किया है। बरामद सामान में 8 मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। चोरों से बरामद सामान उनके मालिकों को लौटाया जाएगा। चोरों से हुई पूछताछ से पुलिस को कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। चोरों ने यह भी बताया कि चोरियां कहां कहां की गई। जानकारी के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी जयपाल शर्मा के नेतृत्व में और SDPO आरएसपुरा शबीर खान की देखरेख में एक विशेष पुलिस दल ने 2 युवकों हनी कुमार और रवि को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक बाइक बरामद की गई। पूछताछ के बाद अन्यों का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर माल जब्त किया गया। प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत अभियान पहल के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी जयंती मनाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवाओं, प्रशासन और भारतीय सेना द्वारा डाबर बाजार क्षेत्र के आसपास एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। गुरेज सेना द्वारा ग्रीन गुरेज पहल के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को डाबर मार्केट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और डाबर शहर का 2.5 किलोमीटर का पूरा घेरा पूरा करने के बाद रैली का समापन सुमो स्टैंड डाबर में हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोरावर सिंह सभागार में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का हटना व्यवस्था में बदलाव है, मगर मानसिकता बदले बिना ये कार्य पूरा नहीं होगा। भागवत ने कहा कि हम भारतीय हैं, हमारी निजी स्वार्थों से राष्ट्र सबसे ऊपर है। राष्ट्रता की भावना से हम दुनिया को वो दे सकेंगे जिसकी दुनिया हमसे उम्मीद कर रही है।